इस वक्त दुनिया के ज्यादातर देश अमेरिका यूरोप से लेकर चीन तक बेहाल है। कहीं महंगाई की मार है तो कहीं मंदी की आहट। इन देशों की अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर लौट ही नहीं रही है। लेकिन एक देश है जो दुनिया में सबसे तेजी से उभर रहा है, वो है भारत। यहाँ तक कि दुनिया की पावरफुल कंट्रीज अब भारत की ओर देख रही हैं। लेकिन अब दिग्गज इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स ने बड़ी भविष्यवाणी कर दी है, जिससे ना सिर्फ चीन को मिर्ची लगी है बल्कि अमेरिका भी हैरान रह गया है। गोल्डमैन सैक्स ने भारत के लिए वो बात कही है जिसकी उम्मीद बेहद कम देशों को होगी। आपको पूरी जानकारी देंगे, उससे पहले दुनिया की आर्थिक स्थिति को समझ लेते हैं। इस समय दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की लिस्ट में अमेरिका नंबर वन पर है। अमेरिका 23.3 लाख करोड़ डॉलर की जीडीपी के साथ सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बना हुआ है। भारत के पड़ोसी देश चीन 17.7 लाख करोड़ डॉलर के साथ दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तीसरे नंबर पर जापान है, जिसकी जीडीपी 4.9 लाख करोड़ डॉलर है। जर्मनी 4.3 लाख करोड़ डॉलर के साथ चौथे नंबर पर है। भारत 3.2 लाख करोड़ डॉलर की जीडीपी के साथ पांचवें स्थान पर है। छठे नंबर पर ब्रिटेन है, जिसकी इकोनॉमी 3.1 लाख करोड़ डॉलर है। अब आपको बताते हैं कि गोल्डमैन सैक्स ने भारत पर क्या बड़ा दावा किया है जिससे दुनिया हैरान है, साथ ही ये दावा कैसे हकीकत बनेगा ये भी आपको बताएंगे। गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि भारतीय इकोनॉमी साल 2075 तक अमेरिका को पीछे छोड़ देगी। इस लिहाज से भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। वहीं नंबर वन की बात करें तो गोल्डमैन सैक्स ने चीन को यह दर्जा दिया है। अब यहाँ ये सवाल उठता है कि किस बिना पर गोल्डमैन सैक्स ने ये दावा किया है। गोल्डमैन सैक्स का ये दावा भारत की जनसंख्या पर आधारित है। जनसंख्या के मामले में देखें तो भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। 1.4 अरब लोगों के साथ भारत दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन गया है। तेजी से बढ़ती मिडिल क्लास आबादी और इसके साथ ही बढ़ती डिमांड और खपत भी भारत की जीडीपी को बढ़ाने में खास योगदान दे रही है। आज भारत की कुल जनसंख्या में से 31वीं सदी मिडिल क्लास है। साल 2031 तक इसके 38% तक जाने का अनुमान है। वहीं साल 2047 तक भारतीय जनसंख्या में मिडिल क्लास आबादी 60% तक पहुंच जाएगी। जब भारत की आज़ादी को 100 साल हो जाएंगे तब देश में 1 अरब से अधिक लोग मिडिल क्लास में होंगे। गोल्डमैन सैक्स ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि भारत का जीडीपी चार्ट नाटकीय रूप से आगे बढ़ रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में टैलेंट, वर्कफोर्स और सबसे ज्यादा कार्य आयु वाली जनसंख्या से इकोनॉमी को तेजी से आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। भारत की जीडीपी ग्रोथ वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 7.2% रही, जो दुनिया में इस दौरान सबसे ज्यादा है। दिग्गज इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स की भविष्यवाणी की माने तो भारत देश दुनिया में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। विकास की राह पर आने वाली चुनौतियों के बावजूद इसे दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्था बनने से कोई नहीं रोक सकता है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।